तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो हाइड्रोलिक पंप के बारे में, जैसे कि आपको हाइड्रोलिक पंप अगर लगाना नहीं आता है तो किस प्रकार से उसको प्रॉपर लगाया जाता है, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे प्रॉपर उसको फिटिंग कैसे किया जाता है। पूरा फिटिंग करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से उसको फिटिंग किया जाता है और उसका जो साइज़ रहता है वो क्या रखना है आपको प्रॉपर, तो आपको जो हाइड्रोलिक है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपको ये सावधानी रखनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है और कैसे उसको फिटिंग किया जाता है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ में बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको वीडियो कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन का घंटी है उसको दबा दे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। इससे क्या होगा, जब भी और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कर दे, आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर किसी को नहीं लगाना आता है हाइड्रोलिक पंप तो वो इस वीडियो को देख के इस माध्यम से आप उसको लगाना सीख सकते हैं। जैसे कि उसको उसके जो हाइड्रोलिक पंप रहता है उसके साथ में दोनों ऊपर नीचे के जो क्लिप रहते हैं वो उसके अंदर ही आ जाते हैं और उसको बोल्ट रहता है दोनों साइड से, वो उसको फिटिंग किया जाता है। इस प्रकार से उसको फिटिंग करके आपको पूरा प्रॉपर जो जहाँ पर लगाना है, जैसे कि आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा मैं किस प्रकार से उसको लगाया है और जो माप रहता है वो किस प्रकार से आपको रखना है, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये हाइड्रोलिक पंप है ये 12 इंच का पंप है, इसका जो साइज़ है वो 12 इंच है और 15 केजी का है। जैसे कि अपना डोर जो है वो 18 इंच का डोर है और ऐसे में लंबाई में उसका डोर की बात करूँ तो वो 38 इंच का है, तो इसमें ये 15 केजी का प्रॉपर से वर्क करेगा। तो इसको लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो हाइड्रोलिक लगाना है वो सीधा लगाना है, साइड में आप देख ले एक बार कि हाइड्रोलिक टेढ़ा नहीं होना चाहिए। साइड से आपको देखने के बाद में आप मालूम पड़ जाएगा कि हाइड्रोलिक सीधा है कि टेढ़ा है, तो आपको टेढ़ा नहीं लगाना है। अगर टेढ़ा लगा दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको सीधा लगा के पीछे की साइड में आपको मार्किंग करके लेना है। मार्किंग करने के बाद में आपको जो बैक साइड का जो धार रहता है अपना दरवाजे का, वहाँ से आपको जो हाइड्रोलिक का साइज रखना है। जैसे कि आपको पीछे से इस रखने के बाद में आगे आप उसको प्रॉपर मार्किंग कर ले, जो भी पीछे आपको जितना इंच आ रहा है उतना इंच आप आगे मार्किंग कर ले और जो आगे से आप पीछे से आपको छोड़ना है 4 इंच ही छोड़ना है। जैसे कि आपको 4 इंच ही छोड़ना है, उसकी जो वजह है जैसे कि आपको आगे दिखाता हूँ मैं किसी इस वीडियो में, जैसे कि आपको ये जो हाइड्रोलिक है उसका जो राड बाल निकला हुआ है वो 4 इंच का है। कई लोगों का कोई जो रहता है हाइड्रोलिक उसका छोटा भी रहता है, तो राड 3 इंच का या 3.5 इंच का भी रहता है, तो इसमें जो ये 12 इंच का है तो इसमें 4 इंच का जो है वो रोड रहता है। तो आपको इस प्रकार से जो मेजरमेंट लेना है, जैसे कि ये रोड 4 इंच का है तो आपको ये जो बैक साइड जो रहता है दरवाजे का जो इंच साइड का जो धार रहता है वहाँ से आपको जो इसका सेंटर जो रखना है, क्लिप का जो सेंटर रहता है वो आपको 4 इंच पे रखना है और 4 इंच पे रखने के बाद में आपको क्लिप को पूरा मार्किंग करके लगाना रहता है। जैसे कि ये साइड में देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको जो 4 इंच का मार्किंग है वो क्लिप जो है उसके सेंटर में जो आपको फिटिंग होता है नट उसका सेंटर लगा के आपको मार्किंग करके लेना है। तो इस प्रकार से आप साइड से भी देख ले एक बार, साइड से भी बराबर प्रॉपर आपको माप लेना है और बैक साइड से भी आपको प्रॉपर माप लेके मार्किंग करके आप क्लिप के पंच से आप होल कर दें। और अगर आपके पास ड्रिल मशीन है, जो स्क्रू टाइट करने वाली ड्रिल मशीन रहती है वो है, तो आप उसे इजी फटाफट स्क्रू टाइट हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो आप स्क्रू चाबी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मार्किंग कर ले और अब वीडियो को लाइक जरूर कर दे, लाइक कर दे वीडियो को, और अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन के घंटी है उसको भी दबा दे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ड्रिल मशीन से स्क्रू को जो पूरा ऊपर का जो क्लिप रहता है उसको फिटिंग करना रहता है, उसको फिटिंग प्रॉपर आपको उसको फिटिंग कर दे। तीनों स्क्रू आपको लगाना है और तीनों स्क्रू लगाने के बाद में आप इसको इस प्रकार से लगा फिटिंग कर दे। फिटिंग होने के बाद में जैसे कि आपका जो सामने वाला जो टक्कर रहता है धार उससे आपको 1/2 इंच ही अंदर रखना है, जैसे कि आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ किस प्रकार से उसको अंदर रखना है। जैसे कि उसको पूरा खोलने के बाद में ऊपर का जो है वो नट आपको पूरा फिट करना है प्रॉपर से, उसको ढीला नहीं रखना है, पूरा प्रॉपर आप उसको अपना जब पाना रहेगा तो पाने से या नहीं तो आपको उसके जो रहता है पक्कड़ रहता है उससे आप उसको ईजिली टाइट कर ले मजबूत से। टाइट करने के बाद में आपको नीचे जो फिटिंग करना है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको जितना दरवाज़ा आपको नीचे रखना है या ऊपर रखना है, आपको अगर खोलने में कोई दिक्कत हो रही है थोड़ा दरवाज़ा को क्रॉस रख सकते हैं आप, नीचे रख सकते हैं, तो उस प्रकार से आप उसको मार्किंग कर ले।
मार्किंग आपको सारे मार्किंग करने के बाद में धार जो रहेगी उससे आपको 5 इंची अंदर रखना है, जो ब्रैकेट है वो नीचे वाला 5 इंची अंदर रख के आप पूरा उसको मार्किंग कर ले। मार्किंग करने के बाद में आप उसको फिटिंग कर ले। फिटिंग होने के बाद में जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको जो हाइड्रोलिक है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप इतना ध्यान रखना है, बस क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी क्रॉस रख दिया हाइड्रोलिक, तो वो हाइड्रोलिक है जो क्या रहेगा कि जो दरवाज़ा बंद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, वो आवाज़ करेगा बंद करेंगे तो, और जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और बहुत ही जल्दी आपका वो हाइड्रोलिक है वो लीक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको जो हाइड्रोलिक लगाया है वो प्रॉपर जो स्टार्टिंग जो आपको दिखाया था मैंने, इस प्रकार से आपको मार्किंग करके लेना है। कहीं पर भी क्रॉस नहीं रखना है आपको, इतना ध्यान रखें आप, तो आपको जो हाइड्रोलिक है वो कभी ख़राब नहीं होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। कोई लोग बोलते हैं कि जो हाइड्रोलिक है हमारा जल्दी ख़राब हो गया, तो उसका जो ख़राब होने का जो रीज़न रहता है दोस्तों वो ही रहता है कि आपका जो हाइड्रोलिक लगाया है वो प्रॉपर नहीं लगाया है आपने। कहीं पे भी दिक्कत है तो क्रॉस लगाया या कोई दिक्कत है, इसके लिए वो हाइड्रोलिक आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और कोई लोग भी है जैसे कि ये वो जो मार्किंग हम लोगों ने आपको 4 इंच का जो बताया है वो कहीं पे 3 इंच का भी रखते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो हाइड्रोलिक का जो रॉड रहता है वो पूरा अंदर नहीं जाता, वो बाहर रहता है। तो बाहर रहने से क्या होगा कि जो हाइड्रोलिक है वो आधा अंदर जाएगा और आधा ही वर्क करेगा, तो वो जो हाइड्रोलिक है वो पूरा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उसमें जो लोड लेने का क्षमता है वो कम हो जाएगी और वो जल्दी ख़राब होता है, उसकी वजह से भी जल्दी ख़राब होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक जो बंद होने के बाद में प्रॉपर जो रॉड रहती है वो अंदर बंद होनी जरूरी है, बंद होनी चाहिए, तो आपका जो हाइड्रोलिक है उसकी लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी। तो आपको वो ध्यान रखना है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आपका जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप हाइड्रोलिक इस प्रकार से लगा के देखिए, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइड्रोलिक जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, जैसे कि देख 4 इंच का जो रॉड है और हम लोगों ने इसको सेंटर में जो है 4 इंच का ही मार्किंग किया हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में 4 इंच का ही मार्किंग किया है। तो इस प्रकार से ही आपको लगाना है, सेंटर का मार्किंग कर ले बैक साइड से, जितना अपना जो रॉड है उसके हिसाब से ले सकते हो। जो बड़ा पाइप रहेगा जो हाइड्रोलिक रहेगा तो उसका जो रॉड रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो आपको अगर ये साइज़ का हाइड्रोलिक है तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सामने जो देख पा रहे हैं आप, हम लोगों ने लगाया तो वो प्रॉपर सीधा है, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको सीधा ही लगाना है, टेढ़ा नहीं लगाना है, इतना ध्यान रखें आप। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसको लगाने के बाद में, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किस प्रकार से ये वर्क करता है। दोस्तों मैं मेरे चैनल पे डिज़ाइन वीडियो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको डिज़ाइन वीडियो में इंटरेस्ट है, आपको डिज़ाइन वीडियो में देखना अच्छा लगता है। और अगर आपको कहीं पे भी डिज़ाइन करना है, कैसे टीवी नेट का डिज़ाइन करना है, बेडरूम बनाना है, किचन बनाना है, मॉडर्न किचन जो भी है आपको बनाना है, डाइनिंग टेबल वगैरह, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे क्या होगा कि जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि मेरे सारे वीडियो है। आप डिज़ाइन के थ्रू मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो डिज़ाइनर वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई पूछना है तो मुझे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आपको आ रही है हाइड्रोलिक लगाने के समय में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या दिक्कत हो रही है, और मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी दे दूँगा आपको। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप नीचे जाके उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी है, तो वहाँ पर भी आप जाके उसको लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें। और कहीं पे भी कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ। और मेरा जो अभी आपको देख पा रहे हैं, जो एक साइड में हाइड्रोलिक लग गया है, दूसरे साइड में भी आपको सेम इसी प्रकार से लगाना है, जैसे कि आपको मैंने आगे बताया था वीडियो में कि आपको साइड से वो सीधा रखना है, और हाइड्रोलिक का जो है ऊपर का जो क्लिप रहता है वो मार्किंग करके आपको प्रॉपर उसको फिटिंग करना रहता है। तो इस प्रकार से आप उसको फिटिंग कर ले। दोस्तों इसका जो हाइड्रोलिक है उसका जो कॉस्ट की बात करूँ, तो मैं ये जो कॉस्ट है उसका, जैसे कि 12 इंच का 15 केजी का हम लोगों ने लाया है, 350 रुपये का ये पूरा सेट आता है। जैसे कि दोनों जो हाइड्रोलिक रहते हैं वो दोनों सेट का 350 रुपये है। उसमें जो MRP है बॉक्स पे वो 450 के आसपास है, 450 का MRP है, लेकिन उसको डिस्काउंट के निकाल के आपको 350 रुपये में आपको ये हाइड्रोलिक मिल जाएगा। बहुत सस्ते वाले भी हाइड्रोलिक है, उसको आप मत खरीदिए जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे,
तो सस्ते पे मत जाइए आप, अच्छा वाला ये बालाजी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। हम लोग हर साइड पे यही कंपनी का बालाजी का हाइड्रोलिक लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमको। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इसको खोलने का भी है, जैसे कि आपको पीछे से खोलना है, कहीं पर दिक्कत आ रही है स्क्रू टाइट करने में, तो जो बार पीछे से खोल सकते हैं आप, ईजी है। उसको खोलने के बाद में उसको फिट कर सकते हैं, ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से उसको लगा सकते हैं। और आपको अगर दोस्तों कोई लोगों का जो रहता है कि जो हाइड्रोलिक पंप हम लोगों ने लगाया है उसको कोई लोग उल्टा भी लगाते हैं, जैसे कि जो रोड का हिस्सा रहता है वो नीचे के साइड में भी लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो नीचे भी लगता है और ऊपर भी लगता है, लेकिन जो कंपनी का जो कहना है कि वो ऊपर की साइड में ही लगता है प्रॉपर, जो अपना जो सही अगर लगाना है आपको तो वो ऊपर के साइड में लगेगा। आप नीचे के साइड में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली में, वही ऐसे का सेम टू सेम ऐसा ही काम करेगा। लेकिन आप मेरा सजेशन है कि आप वो जो रॉड का जो हिस्सा रहता है वो ऊपर के साइड में लगाए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप नीचे लगाना है तो नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों साइड में लगा सकते हैं, कोई लोग ऊपर लगाते हैं, कोई लोग नीचे लगाते हैं। और उसका जो लगाने का जो सही तरीका है वो दोस्तों इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे कि इस वीडियो में आपको देखा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका जो हाइड्रोलिक पंप है अगर ऊपर का जो हिस्सा है जैसे कि वो अंदर जाता है, जो रॉड है वो अंदर घुसता है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो थिनर का जो थिनर रहता है जैसे, वो आपको नहीं लगाना है। अगर वहाँ पे कुछ भी थिनर वगैरह कुछ लगा केमिकल, तो जो आपका हाइड्रोलिक है वो ख़राब हो जाएगा, वो जो हाइड्रोलिक रहता है वो लीक हो जाएगा अंदर से और ख़राब हो जाएगा, तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हम लोगों ने दोनों साइड में हाइड्रोलिक लगा दिया है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जैसे कि दरवाज़ा है बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इस प्रकार से आप लॉफ्ट को अपना हाइड्रोलिक लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने दोनों साइड में इस प्रकार से लगाया है। लगाने का जो प्रोसेसर है आपने इस वीडियो में देख लिया है, इस प्रकार से आप लगाओ। आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लॉफ्ट को जो दरवाज़ा रहता है उसको हाइड्रोलिक लगा दिया है, तो आपको आगे दिखाता हूँ मैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो लॉफ्ट का दरवाज़ा है उसमें सब में हम लोगों ने हाइड्रोलिक लगा दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तीनों दरवाजे को हम लोगों ने लॉफ्ट को जो है हाइड्रोलिक लगा दिया है। एक को हम लोगों ने दोनों साइड जगह एक जगह पर भी लगाया जहाँ पर जगह नहीं था, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो दोनों हाइड्रोलिक लगाना है, सिंगल नहीं लगाना है, जैसे पूरा सेट आता है तो दोनों लगाना है। इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं। जो सिंगल लगाएंगे तो एक साइड से आपका दरवाज़ा है वो ऊपर नीचे रहेगा तो वो जल्दी ख़राब होगा, आपको दोनों साइड में ही लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन का घंटी दे उसको दबा दे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।